हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इस सेशन में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में 1 to 55 क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं और अब आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। विच टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज यूज्ड इन स्टेडियम्स? स्टेडियम्स में इनमें से कौन सी लाइटिंग स्कीम को यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, फ्लड लाइटिंग और सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लड लाइटिंग। बहुत ज़्यादा लार्ज सर्फेसेस को लाइटन करने के लिए या इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइटिंग यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड फ्लड लाइटिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्टर्स की हेल्प से लाइट सोर्स से लाइट को एक नैरो बीम में कॉन्सेंट्रेट करवा के सरफेस के ऊपर गिराया जाता है, और जो प्रोजेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उन्हें फ्लड लाइट प्रोजेक्टर्स कहते हैं। फ्लड लाइटिंग को रात के टाइम में बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या रिलीजियस बिल्डिंग्स को लाइटन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेलवे यार्ड्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और कार पार्किंग्स में भी फ्लड लाइटिंग का यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग और सेमी डायरेक्ट लाइटिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया है डायरेक्ट लाइटिंग, इस टाइप के लाइटिंग में टोटल लाइट फ्लक्स का 90% से भी ज़्यादा जो लाइट है उसको डायरेक्टली डाउनवर्ड्स फॉल करवाया जाता है ऑन द वर्किंग प्लेन, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस होता है और हार्ड शेडोज भी बनते हैं। और ये मेथड ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में या फिर आउटडोर लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट लाइटिंग। इनडायरेक्ट लाइटिंग में टोटल लाइट फ्लक्स का 90% से ज़्यादा लाइट जो है उसे सीलिंग पे डाला जाता है, और ऐसा करने से इस लाइटिंग स्कीम में जो ग्लेयर है उसे काफी हद तक मिनिमाइज कर लिया जाता है और शेडोज भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग को बेसिकली डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ये सिनेमाज में, थिएटर्स में या होटल्स में यूज की जाने वाली लाइटिंग है। और इसके अलावा एक है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में 60 to 90% जो लाइट है उसको डायरेक्टली नीचे की तरफ फॉल करवाते हैं, और बाकी बची हुई लाइट को सीलिंग और वॉल्स को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेथड यूजफुल है हाई सीलिंग वाले रूम्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, जिन रूम्स का सरफेस टू सीलिंग जो हाइट है वो काफी ज्यादा होता है, ऐसे रूम्स को इल्यूमिनेट करने के लिए सेमी डायरेक्ट लाइटिंग यूज करते हैं। स्टेडियम्स को इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइटिंग स्कीम यूज करते हैं दैट इज फ्लड लाइटिंग। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57। इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क्स इज अराउंड व्हाट? प्रिसीजन वर्क्स के लिए इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए? इल्यूमिनेशन क्या होता है या इल्यूमिनेशन लेवल? दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉलिंग पर यूनिट एरिया। मीन्स कितना लाइट फ्लक्स जो है पर यूनिट एरिया पे गिर रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन लेवल, एंड दिस इज कैलकुलेटेड इन ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। और जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग ब्राइटनेस रेंज चाहिए होती है, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है इल्यूमिनेशन लेवल। और प्रिसीजन वर्क्स के लिए जो इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होता है दैट इज अबाउट 500 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, 500 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। फॉर द सेम वेस्टेज विच लैम्प इज द चीपेस्ट? सेम वेस्टेज के लिए इनमें से कौन सा लैम्प सबसे सस्ता होता है? तो जो सबसे चीपेस्ट लैम्प है दैट इज GLS लैम्प्स। GLS लैम्प्स आर जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प्स, जो कि हमारे इनकैंडेसेंट लैम्प्स होते हैं। जो नॉर्मल फिलामेंट टाइप बल्ब्स होते हैं उन्हें कहते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प्स या GLS लैम्प्स, और इन लैम्प्स का कॉस्ट सबसे कम होता है। देयरफॉर हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प्स एज कंपेयर टू GLS लैम्प्स इज?
GLS lamps के comparison में fluorescent lamps में क्या disadvantages होती हैं? Fluorescent lamps AC और DC दोनों पे operate करते हैं, लेकिन AC के case में fluorescent lamps में choke coil को use करना पड़ता है, जिसकी वजह से noise produce होता है, और AC supply use करने की वजह से fluorescent lamps में stroboscopic effect भी देखने को मिलता है, ये भी एक disadvantage है, और साथ ही GLS lamps के comparison में fluorescent lamps का cost high होता है. यहाँ दिए गए तीनों options correct हैं, so here the right answer is option D, all the options are correct. Next is question number 60, radiant efficiency of a luminous source depends on what? किसी luminous source की radiant efficiency किस चीज़ पे depend करती है? So the radiant efficiency is equal to the ratio of energy radiated in the form of light to the total energy radiated by the body. और radiant efficiency depend करती है temperature of the body पे. Body is the light source. तो यहाँ option B says radiant efficiency depends on the temperature of the source. This is the correct answer. Next is question number 61. Which of the following will need the highest level of illumination? जैसा कि अभी एक previous question में मैंने बताया आपको कि जो level of illumination है वो vary करता है from one work to another. किस तरह का काम है और वहाँ पर object का size कितना है और object और observer के बीच का distance कितना है उस पर depend करता है कि कितना level of illumination होगा. और यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन से काम में level of illumination सबसे ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ option A proof reading में illumination level सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का precision work है और precision works में जो illumination level required होता है that is high and it is around 500 lumens per meter square. Next is question number 62. The source of illumination for cinema projectors is what? Cinema projectors में illumination के लिए कौन सा source use होता है? Options हैं incandescent lamp. Incandescent lamps general lighting services के लिए use होता है. Mercury vapor lamp. This is also wrong. Sodium vapor lamp is wrong. The right answer here is carbon arc lamps. Carbon arc lamps cinema projectors में use होते हैं और इसके अलावा search lights में भी carbon arc lamps को use किया जाता है. Next is question number 63. The type of lamps having highest illumination efficiency. इनमें से कौन से lamp का illumination efficiency सबसे high होता है? Illumination efficiency को lamp efficiency या फिर luminous efficiency भी कहते हैं. And this is equal to the ratio of luminous flux to the total power input. That means it is measured in lumens per watt. तो यहाँ सबसे ज़्यादा efficiency जो होती है वो sodium vapor lamp की होती है और this is around 40 to 50 lumens per watt. Mercury vapor lamp की efficiency 30 to 40 lumens per watt के around होती है. Incandescent lamps की illumination efficiency बहुत ही low होती है, that is around 10 lumens per watt. और fluorescent lamps की efficiency around 40 lumens per watt होती है. तो इनमें से सबसे ज़्यादा high efficiency जो है, that is of sodium vapor lamp, 40 to 50 lumens per watt. Next is question number 64. In case of frosted GLS lamps, frosting of shell is done by what? Frosted GLS lamps में shell की frosting किस method से की जाती है? तो जो GLS lamps होते हैं, उसमें जो glass use होता है, उसका frosting किया जाता है. Frost glass यहाँ use होता है. इस glass को bulb की efficiency को increase करने के लिए use किया जाता है, क्योंकि frost glass use करने से इस मेटल फिलामेंट से निकलने वाली लाइट रेडिएशंस ग्लास पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और बल्ब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. ये जो फ्रॉस्टिंग की जाती है ये यहाँ एसिड एचिंग मेथड से की जाती है. ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. इनकैंडेंसेंट लैम्प इज फिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस. इनकैंडेंसेंट लैम्प में इनमें से कौन सी गैस को यूज किया जाता है फिल करने के लिए? तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्गन. देखिए होता क्या है कि एक नॉर्मल इनकैंडेंसेंट लैम्प में जिसमें वैक्यूम रहता है
उसमें जो मेटल फिलामेंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने तक तो एफिशिएंटली वर्क करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो वो फिलामेंट ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वो वेपराइज होने लगता है और लैम्प का ग्लास जो है वो ब्लैकन होने लगता है। लेकिन अगर हमें हाई एफिशिएंसी चाहिए तो 2000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और वैसे केस में मेटल फिलामेंट ऑक्सीडाइज ना हो और वेपराइज ना हो उसे रोकने के लिए हम आर्गन गैस को यूज करते हैं, एक इनर्ट गैस को यूज करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए और मेटल को इवेपोरेट होने से रोकने के लिए। देयरफॉर ऑप्शन ए आर्गन गैस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडोर लाइटिंग? इनमें से कौन सी लाइटिंग इनडोर लाइटिंग नहीं है? ऑप्शंस हैं रेजिडेंस लाइट, दिस इज एन इनडोर लाइटिंग। ऑप्शन बी इज ऑफिस लाइट, ये भी इनडोर लाइटिंग है। ऑप्शन सी इज इंडस्ट्री लाइट, दिस इज ऑल्सो एन इनडोर लाइट। ऑप्शन डी इज फ्लड लाइट। फ्लड लाइट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इनडोर लाइट नहीं है। फ्लड लाइट्स आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट लार्ज सरफेसेस जैसे कि स्टेडियम्स, रेलवे यार्ड्स वगैरह, तो फ्लड लाइट इज द राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट एन इनडोर लाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। ल्यूमेन वॉट इज द यूनिट ऑफ वॉट? ल्यूमेन वॉट किसका यूनिट है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी या इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी या लैम्प एफिशिएंसी को हम ल्यूमेन वॉट्स में कैलकुलेट करते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन अ फ्लोरोसेंट लैम्प? पूछा गया है कि फ्लोरोसेंट लैम्प में चोक का क्या फंक्शन होता है। ये एक फ्लोरोसेंट लैम्प का सर्किट डायग्राम है। ये हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर की भी जरूरत होती है। ये स्टार्टर थर्मल टाइप हो सकता है या फिर ग्लो टाइप हो सकता है, दो तरह के स्टार्टर्स यूज करते हैं। स्टार्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है चोक कॉइल, और चोक कॉइल जो है वो वोल्टेज इम्पल्स देता है स्टार्टिंग ऑपरेशन के लिए। चोक कॉइल प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर कि चोक कॉइल फ्लोरोसेंट लैम्प में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज एट द स्टार्टिंग। इसके अलावा यहाँ एक कैपेसिटर भी कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द सप्लाई। कैपेसिटर को यहाँ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है और चोक को यूज करते हैं स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। अ लैम्प ऑफ 500 वॉट्स हैविंग एमएससीपी ऑफ 1000 इज सस्पेंडेड 2.7 मीटर्स अबव द वर्किंग प्लेन। कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैम्प एट द वर्किंग प्लेन। गिवन है कि एक 500 वॉट्स का लैम्प जिसका एमएससीपी 1000 है वो वर्किंग प्लेन से 2.7 मीटर्स की हाइट पे फिक्स किया गया है और हमें उस लैम्प के डायरेक्टली नीचे वर्किंग प्लेन पे कितना इल्यूमिनेशन होगा ये कैलकुलेट करना है। कैंडल पार क्या होता है? कैंडल पार इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी कि ल्यूमेंस बाय ओमेगा। ओमेगा जो है ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और एमएससीपी होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पार, यानी कि मीन ऑफ कैंडल पार इन ऑल द डायरेक्शंस। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में लाइट स्प्रेड होने का मतलब है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होगी या फिर 4 पाई। तो हम एमएससीपी को ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1000। और साथ ही जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है दैट इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड टू द सॉलिड एंगल। इसका मतलब एमएससीपी ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, दैट इज 1000। और हमें कैलकुलेट करना है कि इस लैम्प से डायरेक्टली नीचे यहाँ वर्क प्लेन पे कितना इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो इल्यूमिनेशन होता है दैट इज इक्वल टू
luminous intensity divided by square of the distance between the lamp and the surface. That means is distance ka square yani ki h square aur yahan I ki value hai 1000, h ki value hai 2.7, iska square karenge aur yahan se jo value hame milegi that is 137.17 lumens per meter square ya ise kehte hain lux. Illumination ka jo unit hai that is lumen per meter square ya fir lux. Therefore, option C here is the right answer, 137.17 lux. Next is question number 70. Luminous efficiency of a fluorescent tube is what? Fluorescent tube ki luminous efficiency kitni hoti hai? Hum pehle bhi discuss kar chuke hain. Fluorescent tube ki luminous efficiency approximately 40 lumens per watt hoti hai. That means यहाँ ऑप्शन में 30 टू 40 ल्यूमेंस पर वॉट गिवन है तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. अ फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन. ऑप्शंस आर एसी ओनली, डीसी ओनली, बोथ एसी एज वेल एज डीसी. फ्लोरोसेंट ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए किस तरह की सप्लाई चाहिए होती है? सो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फ्लोरोसेंट ट्यूब एसी या फिर डीसी दोनों ही तरह की सप्लाई पे वर्क कर सकती है. डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करवाने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के सर्किट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. वन इज कि चोक के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है एंड सेकेंड इज सप्लाई और सर्किट के बीच में एक रिवर्सिंग स्विच कनेक्ट करना पड़ता है. ये दो मॉडिफिकेशंस करने से हम फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी पर भी ऑपरेट करवा सकते हैं. डीसी के केस में ना तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर भी कनेक्ट नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72. लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स बाय व्हाट. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स में लाइट किस तरह से प्रोड्यूस करवाई जाती है? डिस्चार्ज लैम्प्स में दो इलेक्ट्रोड्स को एंड टू एंड कनेक्ट करके उन्हें सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है और इस लैम्प में गैस या मेटल वेपर की फिलिंग होती है. सप्लाई ऑन करने से जैसे ही वोल्टेज एक इग्निशन वैल्यू पे पहुंचती है तो ये गैस आयनाइज हो जाती है और ये कंडक्टिंग मीडियम बन जाती है. जैसे ही ये गैस कंडक्ट करना स्टार्ट करती है यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ ऑप्शंस में गिवन है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स में लाइट प्रोड्यूस होने का कारण है आयनाइजेशन इन अ गैस और वेपर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस. ल्यूमिनेंस का यूनिट पूछा गया है यहाँ. Luminance is the ratio of luminance flux and product of solid angle and the surface area. तो यहाँ से आप देखिए कि luminance flux per unit solid angle, this is candle power. Candle power का unit होता है candela, या आप इसे luminous intensity भी कह सकते हैं. Luminous intensity का भी unit होता है candela. तो आप इसे लिख सकते हैं candela divided by एरिया इज कैलकुलेटेड इन मीटर स्क्वायर दैट इज कैंडेला डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से जो आपके पास ल्यूमिनेंस का यूनिट आता है दैट इज कैंडेला पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वॉटेज. इनमें से कौन सा लैम्प है जो कि कम पावर कंज्यूम करता है लेकिन जो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनकैंडेसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जिसे CFL कहते हैं एंड LED लैम्प. कम पावर कंज्यूम करके ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस जो लैम्प करता है दैट इज़ LED लैम्प. इनमें से किसी भी लैम्प के कंपेरिजन में LED लैम्प्स में ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होता है एट द सेम वॉटेज.
Next is question number 75. Which type of starter is used for fluorescent lamps? Fluorescent lamps में कौन से type के starters use किए जाते हैं? ये हम discuss कर चुके हैं कि यहाँ दो type के starters use होते हैं. One is thermal and one is glow type. और यहाँ option A में given है glow type starter. So option A here is the correct answer. Next is question number 76. The illumination level in houses is in the range of. Houses में illumination level का कितना range होता है? तो houses में जो illumination level required होता है, that is between 100 to 140 illumination level is required in houses. Next is question number 77. Principles used in street lighting are. Street lighting के लिए कौन से principles use होते हैं? दो तरह के principles हैं जो कि street lighting में use होते हैं. एक है diffusion और दूसरा है specular reflection principle. Diffusion type principle में जो reflectors use होते हैं वो light को directly downwards reflect करते हैं और उसे road surface के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा spread करते हैं. और specular reflection में जो reflectors use किए जाते हैं वो ऊपर की तरफ curved होते हैं और ये कुछ इस तरह से light को spread करते हैं जहाँ पर angle of incidence ज़्यादा होता है और ज़्यादा area को cover किया जाता है. So here option A is the correct answer, diffusion and specular reflection. Next is question number 78. The function of capacitor connected across the fluorescent lamp is what? Fluorescent lamp के across जो capacitor connect किया जाता है, उसका क्या function होता है? पहले हम इससे related एक question कर चुके हैं, जहां मैंने आपको circuit diagram draw करके दिखाया था, कि capacitor को हम supply और circuit के across connect करते हैं, to improve the power factor. तो यहां option A is the correct answer. Now next is question number 79. LED lamp have a general life expectancy of. LED lamps की कितनी life होती है? LED lamps की जो life expectancy है, that is around 50,000 working hours. काफी ज़्यादा durable होते हैं LED lamps. और इसके अलावा filament lamps या incandescent lamps की जो life expectancy है, that is only about 1,000 hours. Halogen lamps जो कि filament lamps के ही type हैं. उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 2000 आवर्स. सोडियम वेपर लैंप्स की लाइफ अराउंड 3000 आवर्स होती है. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 5000 टू 1000 आवर्स. और जो सीएफएल हैं उनकी लाइफ 10000 आवर्स तक होती है. तो इनमें से किसी भी लैंप की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. यहां क्वेश्चन में एलईडी लैंप के बारे में पूछा है तो यहां option D is the correct answer. Next is question number 80. High pressure mercury discharge lamps are not used in. High pressure mercury discharge lamps ko kahan par use nahin kiya jata hai. Options hain park, in the street lights of playgrounds, stage lighting ya fir drawing room. Mercury discharge lamps mein level of illumination bahut zyada high hota hai aur यहाँ पे जो light produce होता है, that is greenish blue in color. Greenish blue color की light produce होती है और illumination level बहुत ज़्यादा high होता है. इसलिए इस तरह की lighting को industries में, railway yards में, ports में या shopping malls में use किया जाता है. और इसके अलावा इस तरह की light को हम parks में भी use कर सकते हैं. Playground के लिए जो street lights लगी होती हैं, वहाँ भी ये lights use हो सकती हैं. Stage lighting में भी मर्क्यूरी डिस्चार्ज लैंप्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ड्राइंग रूम में इस तरह की लाइटिंग को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो हियर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट. इनमें से कौन से लैम्प में ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस होता है? तो जो लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो हैं सोडियम वेपर लैंप्स. सोडियम वेपर लैंप्स में एक येलो कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो
तो वो ऑब्जेक्ट हमें ग्रे कलर का नजर आता है। सोडियम वेपर लैंप्स जो हैं सिर्फ एसी सप्लाई पे ही ऑपरेट कर सकते हैं और सोडियम वेपर लैंप्स में नियॉन गैस की फिलिंग होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82। पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ, इनमें से कौन से लैंप का पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होता है? सो हाईएस्ट पावर फैक्टर जो मिलता है दैट इज इन केस ऑफ जीएलएस लैंप्स, जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप्स, दैट इज इनकैंडेसेंट लैंप्स। यहां पर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक मेटल फिलामेंट को यूज किया जाता है जिसमें से करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, और सिर्फ इस रेजिस्टिव एलिमेंट की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पावर फैक्टर सबसे ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83। द गैस यूज्ड इन गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प इज, नॉर्मल फिलामेंट लैम्प्स में बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करवाया जाता है, लेकिन हाई एफिशिएंसी के लिए इन लैंप्स में गैस फिल की जाती है विच इज आर्गन, और उसके साथ और इसके साथ कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन गैस को भी डाला जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। आर्गन जो है हाई टेम्परेचर पे इस मेटल फिलामेंट को वेपराइज होने से रोकती है, और नाइट्रोजन इस लैंप के अंदर आर्किंग की पॉसिबिलिटी को अवॉइड करती है। आर्गन prevents the evaporation of the metal filament and nitrogen avoids the chances of arcing. Next is question number 84. The output of tungsten filament lamp depends on what? Tungsten filament lamp में जो output light हमें मिलती है वो किस पे depend करती है? So, जो tungsten filament lamps में light produce होती है वो depend करती है filament के temperature पे. Therefore, the right answer here is option C. Next is question number 85. The function of inert gas in filament lamp is, filament lamp में जो inert gas को fill करवाया जाता है जैसे कि argon, उसका क्या function होता है? ये हम अभी discuss कर चुके हैं कि argon gas को metal filament को evaporize होने से रोकने के लिए use किया जाता है. Therefore here option C says to minimize the function of evaporation during service. Option C is the correct answer. Next is question number 86. To prevent excessive brightness, which type of lighting scheme is used? Excessive brightness ko rokne ke liye kaun si lighting scheme ko use karte hain? Options hain direct lighting, indirect lighting, general and local. Option C aur option D to yahan par galat hain. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, डायरेक्ट लाइटिंग और इनडायरेक्ट लाइटिंग के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने वहां देखा था कि डायरेक्ट लाइटिंग में 90% से भी ज्यादा लाइट को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे या वर्क प्लेन पे फोकस करवाया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होता है और उसकी वजह से ग्लेयर प्रोड्यूस होता है, और इनडायरेक्ट लाइटिंग में 90% से ज्यादा लाइट को सीलिंग पे डाला जाता है अपवर्ड्स और ग्लेयर को मिनिमाइज किया जाता है। सो एक्सेसिव ब्राइटनेस को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइटिंग यूज होती है दैट इज इनडायरेक्ट लाइटिंग। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इनमें से कहां पर सबसे कम इल्यूमिनेशन की जरूरत है, मीन्स ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है? ऑप्शन हैं डिस्प्लेज, फाइन एनग्रेविंग, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड ऑडिटोरियम्स। जहां पर लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन चाहिए वो है रेलवे प्लेटफॉर्म्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। अ मर्क्यूरी वेपर लैंप गिव्स, मर्क्यूरी वेपर लैंप में कौन से कलर की लाइट हमें मिलती है? मर्क्यूरी वेपर लैंप्स में ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट मिलती है और ये बहुत ही ब्राइट भी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89। द स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाइज बिटवीन, इल्यूमिनेशन में स्पेस टू हाइट रेशियो कितना होता है? स्पेस टू हाइट रेशियो क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल लैंप्स डिवाइडेड बाय माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप अबव द वर्किंग प्लेन। यानी कि अगर किसी हाइट पे दो लैंप्स आपने फिक्स किए तो उन दोनों लैंप्स के बीच का डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय जो नीचे फ्लोर है वर्किंग प्लेन है उस प्लेन की लैंप से हाइट, इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेस टू हाइट रेशो। और इल्यूमिनेशन के लिए ये रेशो कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 1:2, ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज अबाउट। फ्लोरोसेंट लैम्प का पावर फैक्टर कितना होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प का पावर फैक्टर 0.5 से 0.6 लैगिंग होता है, 0.5 टू 0.6 लैगिंग, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे। एक फोटो सेल को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट सोर्स को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 2 मीटर्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द फोटो कैथोड विल बी व्हाट। और कहता है कि अब उस लाइट सोर्स को 2 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फोटो कैथोड में उस पे क्या इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द फोटो कैथोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोटो सेल एंड द लाइट सोर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियली जो डिस्टेंस था दैट वॉज 1 मीटर और बाद में जो डिस्टेंस है उसे कर दिया गया 2 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस हो गया है डबल। और क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो जाएंगे 1/4। ऑप्शंस गिवन है, कह रहा है कि ईच कैरी 1/4 ऑफ देयर प्रीवियस एनर्जी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 1/4 तो वो एनर्जी भी कैरी करेंगे 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, फॉर थर्मायनिक इमिशन, थर्मायनिक इमिशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शंस आर अ मटेरियल विद हाई वर्क फंक्शन इज प्रेफरेबल, अ मटेरियल विद लो वर्क फंक्शन इज प्रेफरेबल, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल हैज नो इम्पोर्टेंस। ऑप्शंस में वर्क फंक्शन के रिगार्डिंग बात की गई है, किसी सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड टू अ पॉइंट इमीडिएटली आउटसाइड द सॉलिड सरफेस। और अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को सॉलिड बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो भी कम होगी, जिसकी वजह से जो थर्मायनिक एमिशन होगा वो बेटर होगा। तो इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका वर्क फंक्शन लो है तो उसके लिए थर्मायनिक एमिशन ज़्यादा बेटर होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दिया है कि अ मटेरियल विद लो वर्क फंक्शन इज प्रेफरेबल एंड दिस इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, हैलोजन लैंप्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ, हैलोजन लैंप्स में क्या एडवांटेजेस होते हैं। इनकैंडेंसेंट टाइप लैंप्स के अंदर सबसे लेटेस्ट टाइप के जो लैंप्स हैं दे आर हैलोजन लैंप्स। नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट टाइप के लैंप में थोड़े से अमाउंट में हैलोजन वेपर को ऐड किया जाता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हैलोजन वेपर को ऐड करने से जो टंगस्टन मेटल का पार्ट इवेपोरेट हो चुका होता है वो पार्ट दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि बल्ब के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हैलोजन वेपर डालने के कारण। इसको रीजनरेटिव साइकिल भी कहते हैं और इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मेटल के इवेपोरेशन की वजह से लैम्प ब्लैक हो जाता है, हैलोजन गैस को ऐड करने की वजह से लैम्प जो है वो ब्लैकन नहीं होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी भी हाई होती है, इनकैंडेंसेंट लैम्प के कंपैरिजन में इन बल्ब्स की लाइफ भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर सिर्फ 1000 आवर्स की लाइफ होती है बल्ब की और इन बल्ब्स की लाइफ नियर अबाउट 2000 आवर्स हो जाती है। हैलोजन लैम्प्स में कलर भी ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है, बेटर कलर रेंडिशन।
तो यहाँ ऑप्शंस में गिवन है और हैलोजन लैंप्स का साइज भी कम होता है. यहाँ ऑप्शंस में गिवन है रिड्यूस डायमेंशंस ऑफ लैंप, करेक्ट, बेटर कलर रेंडिशन एंड लॉन्गर लाइफ, यस दिस इज करेक्ट, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इंक्रीज्ड ल्यूमिनस एफिशिएंसी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94. इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स में लाइट किस तरह से प्रोड्यूस करवाई जाती है. इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्चार्ज लैंप्स में लाइट प्रोड्यूस करवाई जाती है बाय द आयनाइजेशन इन गैस और वेपर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. A 200 volt lamp takes a current of 1 ampere. It produces a flux of 2860 lumens. The efficiency of the lamp is. Given है कि एक 200 volt rating का lamp है जो कि 1 ampere current लेने पे 2860 lumens light flux produce करता है और इसकी efficiency हमें calculate करनी है. तो जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू ल्यूमेन फ्लक्स रेडिएटेड डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. यहाँ पर हमें लैंप का वोल्टेज रेटिंग गिवन है दैट इज 200 वोल्ट्स और करंट भी गिवन है 1 एम्पेयर. तो यहाँ से हम इनपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. पी इज इक्वल टू वी आई दैट इज 200 इंटू 1 इक्वल टू 200 वॉट्स और टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 2860 ल्यूमेंस. ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे. ल्यूमिनेंस फ्लक्स रेडिएटेड इज 2860 ल्यूमेंस एंड इनपुट पावर इज 200 वॉट. तो यहाँ से जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी 14.3 ल्यूमेंस पर वॉट. ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96. इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ ट्यूब. फ्लोरोसेंट ट्यूब को अगर डीसी पे ऑपरेट करते हैं तो उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है. तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को अगर हम डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करते हैं तो इनकी लाइफ 80% से डिक्रीज हो जाती है. द लाइफ ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस बाय अबाउट 80% एज दैट ऑफ एसी ऑपरेशन. So option C here is the correct answer. Next is question number 97. Unit of luminous flux. Luminous flux ka unit pucha hai. Kisi luminous body mein se ek second mein kitni light emit hoti hai, use kehte hain luminous flux. Total quantity of light emitted per second from a luminous body. That is called as luminous flux. Aur luminous flux ko represent karte hain F se. और इसके यूनिट्स होते हैं ल्यूमेंस. कैंडेला स्टीरेडियन भी ल्यूमिनेंस फ्लक्स के यूनिट हो सकते हैं बिकॉज जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ल्यूमिनेंस फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल. यहां से ल्यूमिनेंस फ्लक्स विल बी इक्वल टू ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी इंटू सॉलिड एंगल. ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला और ओमेगा की जो यूनिट होती है यानी कि सॉलिड एंगल की यूनिट दैट इज स्टीरेडियन. इसलिए ल्यूमिनेंस फ्लक्स की यूनिट कैंडेला स्टीरेडियन भी लिख सकते हैं. यहाँ ऑप्शन में गिवन है ल्यूमेन, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. आर्क लैंप ऑपरेट्स एट. आर्क लैंप कितने पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जो आर्क लैंप्स हैं वो बहुत ही लो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं. ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट. आर्क लैंप ऑपरेट्स एट लो लैगिंग पावर फैक्टर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99. द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट इज टू. फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का क्या फंक्शन होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए चोक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है. That means, at the time of starting, tube के अंदर आग को initiate करने के लिए choke जो है वो एक high voltage impulse provide करता है और
एट द टाइम ऑफ रनिंग चोक हेल्प करता है टू स्टेबलाइज दैट आर्क. तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया है इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट, स्टार्टिंग में आर्क को इनिशिएट करने के लिए और ड्यूरिंग द रनिंग टाइम आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए चोक कॉइल को यूज करते हैं इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. पूछा है कि लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इल्यूमिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है. इल्यूमिनेशन के दो लॉज होते हैं, वन इज लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर्स, इस पे बेस्ड हम ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द सरफेस. लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर्स जो है ये कब फॉलो होता है, जब लैम्प और सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द वर्क प्लेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द वर्क प्लेन. सपोज यहाँ पर हमें इल्यूमिनेशन की वैल्यू निकालनी है और सोर्स यहाँ पर है, से दिस एंगल इज थीटा. इस केस में जो लॉ हम यूज करेंगे इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज लैम्बर्ट्स लॉ. तो यहाँ से जो इल्यूमिनेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द सोर्स एंड द वर्क प्लेन. लेकिन ऑप्शंस में ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको अपकमिंग एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी. आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.